अभिजीत, ये फोन आपने गाड़ी में छोड़ा है। सर जी का फोन आ रहा बार बार, बात कर लो एक बार। लो रिहान, मैं तुम्हें ही फोन लगा रही थी। वो एक्चुअली मेरा फोन गाड़ी में रह गया था ना, अभी मनोहर भैया ने दिया तो मैंने। नहीं, मैं भी बस वही सोच रहा था कि तुम कहाँ रह गई। वो एक्चुअली बात ये थी कि गौतम दीवान, आपकी जमानत हो गई है। मिसेज आरुषि वत्सल ने आपकी जमानत करवा दी है। आरुषि, तुम पुलिस स्टेशन में हो? आरुषि, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन में हो? वहां क्या कर रही हो आरुषि, बोलो। हेलो, हेलो, हेलो विहान, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो विहान, हेलो। क्यों तुम मेरे और मेरे परिवार के जज्बात के साथ खेल रही हो? क्यों? विहान को पता चल गया मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, अब क्या करूँ मैं? कह दिया मैंने तो, अगली बारी से मिलेगा ना तो उससे बात करके आएगा। और सुन, अगर इस बार उसने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं ऐसा करूंगा कि वो देखता रह जाएगा, देख ली तू। आज कौन सा तीर मार लिया तूने जो इतना खुश है? वैसे तुझसे तीर की कमान खींचती भी है अब? आप ना अपनी तुलना मुझसे मत किया करो, समझ गए? अरे मेरे दोस्त के है ना, वो उसके बेटे की शादी थी, उसकी दावत खा के आ रहा हूँ। खूब मीट मछली खाया होगा तूने मुफ्त की। कर दी ना बाबूजी आपने दो आने की बात। वो प्रकाश है ना, उसने अपने बेटे की शादी में 15 लाख रुपए लिए। मेरे ग्रीस के कितने मिलेंगे है? कम से कम 3 गुना। हाँ, 3 गुना मिलेंगे, 3 गुना। भाई मैं तो इसकी शादी कर रहा हूं, बस इस घर में अब बजेगा बैंड, बैंड बजाऊंगा शादी का। शुरू हो गया तेरा ख्याली पुलाव पकाना। समझ लीजिए बाबूजी, समझते रहिए जो समझना है। करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा। वैसे ये आदमी कौन लगता है आपका जो आपने इसकी जमानत कराई? ये मेरी मासा ससुर। थैंक यू आरुषि, तुमने मुझे अपना माना, ये कसम मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, बस अभी सिर्फ अपना कहा है, लेकिन आपको वादा करना होगा मुझसे कि आप मेरी मासी माँ को हमेशा खुश रखें। वादा है माँ, हम तुम्हारी मासी माँ को हमेशा खुश रखेंगे। अब जब वो नीलिमा की तबीयत कैसी है, हमें बहुत चिंता हो रही है, हम उसे एक बार देखना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, आपने इतने साल इंतजार किया है, कुछ दिन और सही। फिलहाल मेरे घर वालों के दिलों में आपके लिए जगह बनाना तो दूर की बात है, पहले मुझे ये देखना होगा कि गुंजाइश है तो कितनी और कैसे। आपको और मासी माँ को मिलवाने के लिए हर कदम सोच समझ के लेना पड़ेगा, वरना बात बिगड़ जाएगी और मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। जब सही वक्त होगा तो मैं खुद आपको फोन या मैसेज करूंगी, तब तक आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगी। ठीक है बेटा, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, ख्याल रखिए अपना। मान ऐसी बहु हर ससुराल को दे। हाँ हाँ शर्मा जी, आप कल गाड़ी भेज दीजिए, साड़ियाँ तैयार हैं, आपका ऑर्डर रेडी रखा है। 10-10 की साड़ियाँ हो गई ना? जी फिलहाल तो 10 साड़ियाँ रेडी हैं, पर 1-2 दिन तक मैं और ज्यादा कर दूंगी। जितनी जल्दी हो सके मैं आपकी 100 साड़ियों का ऑर्डर पूरा कर दूंगी।
ठीक है, फिर मैं सुबह जल्दी ही गाड़ी भिजवा दूंगा। जी ठीक है। चल मिली, जल्दी से पैकिंग करा दे, जितने पैकेट है उसमें पैक कर दे, बाकी दादाजी लेकर आएंगे। माँ कल साड़ियों की डिलीवरी होगी ना, हमें पैसे मिलेंगे ना, बहुत सारे पैसे। क्यों, क्या चाहिए तुझे? वो याद है आपको, मैंने मॉल में वो ड्रेस देखी थी, आसमानी वाली। हाँ जब देखो दोस्त, चल अंदर। दादू मत करो, शर्म नहीं आती तुझे? दिन भर आवारा गर्दी करते रहता, ये नहीं अपनी माँ का हाथ बटा दे। देख देख तेरी छोटी बहन हाथ बटा रही है, तू भी क्यों नहीं करता? चल ये सब हमालगिरी वाले काम करूं मैं, मुझसे नहीं होते टुच्चे काम। हाँ हाँ, तुझे तो लाड साहब की नौकरी मिलने वाली है, जैसे तेरे बाप को चाहिए। हे भगवान, इस घर में दूसरा प्रहलाद मत खड़ा करना, एक ही काफी है। ये ले बहू। बाबूजी उसमें से यही बचे हैं। ठीक है बहू, मैंने उसे कह दिया है कि इन सब पैकिंग मटेरियल के पैसे उसे कल मिल जाएंगे, और समझदार आदमी है, समझ गया कि हम माल तो उसी से लेंगे। फिलहाल तू जल्दी से ये साड़ियां पैक कर ले, इससे पहले कि वो कमीना। चाची माँ, आप मासी माँ को नीचे क्यों ले आए? डॉक्टर ने कहा है ना इन्हें स्ट्रेस नहीं देना है, इन्हें आराम करने की जरूरत है। चाची माँ कितना समझाया मैंने, पर ये जिद कर रही थी तो मैं क्या करती? जिद क्यों मासी माँ, ये कोई जिद करने का वक्त है? आप छोटी बच्ची हैं, आपको समझ में नहीं आता आप इस तरह से कैसे बिहेव कर सकती है? इतनी बड़ी होगी उसके बाद भी इतना जिद कर रही है आप, आपको कुछ ऐसा करने का सोचा भी कैसे मासी माँ? आपको पता है हम सब कितना घबरा गए। आपको कुछ लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तेरी डांट कैसे खाती? ये डांट वाट छोड़िए, पहले ये बताइए आपने खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है। अरे भूख कैसे नहीं है मासी माँ, खाएंगी नहीं तो रिकवर कैसे करेंगे? आप रुकिए, आज मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगा। ओके वन मिनट, मैं अभी आता हूँ, कहीं जाइएगा नहीं। सुन, हाँ। आरुषि कहाँ है? अरे भाई इस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, फिर भी उसके घर में कुछ जरूरी काम होगा वही करने गई होगी, वैसे भी उसे अपना मायका ज्यादा प्यारा है ना। आरुषि को कुछ मत बोल, तुझे पता है ना विहान को अच्छा नहीं लगता जब हम उसकी बीवी के बारे में कुछ कहते हैं तो। गौतम दीवान, आपकी जमानत हो गई, मिसेज आरुषि वत्सल ने आपकी जमानत करवा दी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, छोड़ी सब। अरे बाबूजी, तेरा इन पैसों पे कोई हक नहीं, ये मेरी बहू की कमाई है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपके लग जाएगी, छोड़ता है कि नहीं? छोड़। अच्छा किया बाबूजी को पकड़ लिया, कहीं चोट लग जाती ना तो सारे पैसे दवाई में निकल जाते।
और अब दारू में जाएंगे। हाँ दारू में जाएंगे। दूसरी बोतल मांगी थी मुझे, साले ने उठवा के बाहर फेंकवा दिया क्योंकि पैसे नहीं थे। अब पैसे आ गए, चार बोतल लूंगा, चार बैठ के पीऊंगा। चल तू भी चल। लीजिए दाज। क्या खिला दिया तुम लोगों ने इसको? अरे अपने निकम्मे बेटे पे हाथ उठाने से पहले जरा खुद को देख। घर की बहू मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश कर रही है और तू तू है तुझ पर। अरे लानत है ऐसी औलाद पर। मेहनत है? साड़ियों में एम्ब्रॉयडरी करके मेहनत कर रहे हो तुम लोग? महल बनाओगे, महल बनाओगे है? करो 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 करो। पापा आप ये क्या कर रहे? माने बहुत मेहनत की है साड़ी बनाने के लिए। लगाऊं ये गर्मा गर्म? माँ की तरफ तारीफ करने वाली साड़ी बनाई है, मेहनत की है। चल बताओ तुम लोगों को। आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। चलाता हूँ ये सारी की सारी साड़ियाँ। घर की बहू काम करेगी तो इज्जत क्या मेरी खाक करेगी? और उसकी कमाई खा करके तुम लोग मेरे सर पे नाचोगे? रुक जाओ। मारे मारे से क्या? तुम्हारे पास माचिस है क्या? माचिस है। ने कहा था कि अगर पापा ने कोई प्रॉब्लम की तो उन्हें फोन बताना। जीजू फोन उठाओ, जीजू फोन उठाओ। हेलो जीजू, मैं मिली बोल रही हूँ। जीजू यार जल्दी से आ जाइए। वो जीजू वो पापा ने। हेलो मिली, क्या हुआ? पापा जी ने क्या किया? जीजू पापा ने। हाँ मिली। हेलो गॉड, क्या हो गया? अब पापा जी ने क्या कर दिया? क्या हुआ यहाँ पर? परेशान लग रहा है वो। चाची मैं आरुषि के घर जा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है। पता नहीं मिली का फोन आया था पर पूरी बात नहीं हो पाई। जा पिता। अरबा सब ठीक रखना। कोई फायदा नहीं किसी को फोन करने का, कुछ नहीं हो सकता। वो देख उधर।
से सर जी की गाड़ी ना है। सर जी कहाँ गए होंगे इस टाइम? इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? मैं पूछती हूँ अंदर। घर वालों को भी गौतम जी के बारे में बताना पड़ेगा मुझे। आज ही इनसे बात करनी होगी और समझाना होगा कि गौतम जी सच में सुधर गए हैं और वो मासी माँ को खुश रखेंगी। मासी माँ के लिए उनका प्यार सच्चा है। और ऋषि पुत्र, चाची माँ, विहान कहाँ है? विहान वो हाय रब्बा, कोई मार ही डालो मैनू, तो लगता है फिर भूल गई। घर वालों से बात करने से पहले मुझे विहान से बात करनी चाहिए। वो मैं यहाँ क्यों आई? जाती रहता। विहान को फोन कर लेती हूँ और पूछ लेती हूँ। वैसे भी वो नाराज था, पहले उसे मनाना होगा। ओहो, अरे रुक रुक, वहीं रुक। अरे सुनती हो? अरे भाई आरती की थाली ले आओ, बेटा आया है उसकी आरती उतारो। ससुराल से पिटकर जो आया है। गौतम, तुम्हारे ससुराल वालों ने हमें पहले भी जेल भिजवाया था और आज भी वो लोग वही कर रहे हैं। ऐसे घर की लड़की को हम बहू नहीं मान सकते, समझे तुम? ये कतई नहीं होगा। हाँ, ये क्या हुआ? वो जो साड़ियों का ऑर्डर डिलीवरी देना था, ये किसने जलाया माँ? जानता हूं ये किसने किया होगा। मैंने आपसे कहा था अपनी हद पार मत करना, लेकिन आपने कर दी। तो ठीक है, मैं भी पुलिस को बुलाऊंगा। लाल, हमारे रिश्ते का लिहाज है पापा जी, अगर आप मेरे ससुर नहीं होते ना तो। नहीं तो, नहीं तो क्या कर लेते? नहीं नहीं, बोलो बोलो, क्या कर लेते? बोल दे क्यों नहीं, क्या कर लेते? दे बोलो। सॉरी जीजू। इस घर का जमाई होने के नाते मुझे अपनी सास की हेल्प करनी होगी और मैं जानता हूं कैसे।